The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone. Namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। इस चैनल पे हम आपको मेडिकल इंफॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक और वेरीफाइड। सो इट्स नॉट फ्रॉम वन पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स द करंट मेडिकल रिसर्च, व्हाटएवर इज अवेलेबल एट दैट टाइम। सो एक प्रोडक्ट है, एक एलिमेंट है कोएंजाइम Q10, जो कि बहुत फेमस हो गया है कई सारे ट्रीटमेंट्स के लिए, हार्ट की बीमारी हो या आपके डायबिटीज हो या ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो, फिजिकल परफॉर्मेंस हो, बहुत सारे लिटरली कई बीमारियों में इसे दिया जाता है, कोरोना के ट्रीटमेंट में या उसके रिकवरी में दिया जाता है। अब ये क्या चीज है, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं कि कोएंजाइम Q10 या CoQ10 है क्या, कैसे काम करता है, क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि महंगा भी काफी आता है। सो क्या इसे लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या इसके कोई नेचुरल सोर्सेस हैं जहां से इसको ले सकें, या सिर्फ दवाई ही खानी पड़ेगी, और इसके प्रूवन रिसर्च क्या बोलते हैं। तो आज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, CoQ10 के बारे में। सो कोएंजाइम Q10 एक बेसिक चीज, एक एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे हमने आपको पहले कई बार सुना होगा, अपने एसिटिलसिस्टीन है, विटामिन ई है, कई सारे विटामिन्स हैं जो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट, वैसे ही एक कोएंजाइम Q10 या CoQ10 एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। आपके सेल्स जो हैं वो CoQ10 बनाते हैं और यूज करते हैं फॉर इवन ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, दोनों के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी के लिए। आपके CoQ10 जो है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, मेंटेन होता है, एक लेवल होता है, और धीरे धीरे, मान लीजिए उम्र के साथ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, कम होता है। अब CoQ10 लेवल्स जो है वो सेल्स के अंदर होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट बाय ब्लड से, खून से, बहुत मुश्किल है। सो CoQ10 कई सारी बीमारियों में, जैसे कि हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जो है उनमें भी पाया जाता है, हार्ट की दवाओं में भी पाया जाता है। और नेचुरली अगर बोलें तो ये किसमें होता है, फिश में, नट्स में और मीट में पाया जाता है, और कुछ डेयरी सोर्सेस में भी, यानी दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ में भी पाया जाता है। और लेकिन ये जो इनके जो सोर्सेज हैं ये इतने ज्यादा नहीं है, इतने हैवी सोर्सेज नहीं है, इतना ज्यादा मात्रा में नहीं है कि इनके सेवन से आपके इंटरनल CoQ10 लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़े। सो इसके वजह से इसके डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाए गए। अब ये कोएंजाइम Q10 आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो साइकल्स आपने सुने हैं, उस क्रेब्स साइकल या जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकल्स, जी ग्लाइकोलाइसिस जो इनमें है, इनमें एज अ कोएंजाइम यानी के वहां पर उस रिएक्शन को फास्ट करने में काम आता है। सो इसके जो सप्लीमेंट्स हैं वो कैप्सूल्स में आते हैं, टैबलेट में आते हैं, सिरप में आते हैं, इंजेक्शन में आते हैं, और ये ऑब्वियसली कई सारे स्पेसिफिक कंडीशन में हेल्पफुल होगा। एक एंटीऑक्सीडेंट है तो जनरली भी कोई ले सकता है, लेकिन रिसर्च में देखा गया है कि जिनका हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम उनको, इवन ब्लड प्रेशर कम करने में CoQ10 का रोल है, और कुछ रिसर्च बोलती हैं कि CoQ10 जो बाईपास सर्जरी या हार्ट वेल्व का सर्जरी के बाद वाले पेशेंट में रिकवरी में भी हेल्प करेगा, कर रहा है। डायबिटीज वाले पेशेंट्स में CoQ10 आपके LDL कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है, और हार्ट डिजीज के रिस्क कम करता है। सो शुगर
और एनर्जी लेवल थोड़ी आपके बढ़ा देगा, तो इनडायरेक्टली शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करेगा। फिर दिमाग के केसेस के लिए, दिमागी केसेस के लिए माइग्रेन में हेल्प करते हुए दिखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक्स कम होते हैं जिनको माइग्रेन है, वो अगर कोक्यूडेन लेते हैं। पार्किंसंस डिजीज वाले लोग जिनको होते हैं, तो कुछ हद तक उनके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएंगे, याद रखिएगा। और जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, कई बार कोलेस्ट्रॉल की दवा से मायोपैथी होती है, मसल वीक हो जाती है, मसल दर्द करती है स्टैटिन नाम की दवाओं से, तो उस साइड इफेक्ट को भी कोक्यूटेन कम करते हुए देखा गया है रिसर्च में। फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी, जैसे मैंने कहा वीकनेस हो रही, कमजोरी हो रही, बीमारी से ठीक हो रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, उस चीज के लिए भी कोक्यूटेन को दिया जाता है। सो इट इज इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन, इट इज इन्वॉल्व इन, तो एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो इससे फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, पर और रिसर्च में भी इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं, पर इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि भी इसको लंबे समय के लिए लिया जा सके, जीते रहे ऐसा कुछ। सो रिकवरी बेटर करेगा, ताकि हम लो से हमारे जो नॉर्मल सेल्फ में आ जाए स्पीड में। तो जनरली ये सप्लीमेंट जो है सेफ है, नॉर्मली इसका कोई खास मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, और माइनर से साइड इफेक्ट्स लोगों को हो सकते हैं, जैसे किसी को अगर पेट में इशू आ सकता है, नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, और किसी को इस चीज से एलर्जी हो तब फिर अलग एलर्जिक रिएक्शन सबको हो सकते हैं, जैसे स्किन इचिंग, रैशेज, वो जिनको एलर्जी है उनको होगा। सो सेफ्टी जो है इसकी, ये सेफ है, और प्रेग्नेंट लोग और ब्रेस्ट फीडिंग में कोक्यूटेन का जो रिसर्च है वो अभी इतना सिग्निफिकेंटली अवेलेबल नहीं है कि हम बोले ले कि नहीं लो, या सेफ है या नहीं, तो इस चीज के लिए आप अपने डॉक्टर से, अपने स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें, अगर जरूरत है और तो वो देंगे, वरना नहीं। एक इंटरेक्शन इसका मेन इंपॉर्टेंट है एंटीकोएगुलेंट्स के साथ, खून पतला करने की दवाएं जो खासकर हार्ट पेशेंट या ब्लड या हार्ट अटैक वाले, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स लेते हैं, जैसे कि वॉरफेरिन, एंटीकोएगुलेंट, एंटीप्लेटलेट, एस्पिरिन अलग है, एंटीकोएगुलेंट की बात कर रहे हैं, वो ब्लड थिनिंग ड्रग जैसे ये है, तो यहां पर क्या होता है, ये वॉरफेरिन और एंटीकोएगुलेंट्स को थोड़ा लेस इफेक्टिव बनाती है, तो ऐसे में क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। सो ये बातें ध्यान में रखिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोक्यूटेन के बारे में। सो इट इज अ सेफ ड्रग, कैन बी यूज, और ये दवा है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसको लिमिटेड टाइम के लिए लिया जा सकता है। इसके बहुत से प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, कभी लिवोकार्निटिन के साथ, कभी नॉर्मल मल्टी विटामिन्स के साथ। सो यू कैन, अगर आपको एनर्जी वीक लग रही है, कमजोर लग रहे हैं, तो ले सकते हैं, रिकवर कर रहे हैं बीमारी से तो ले सकते हैं। सो इसको ट्राई करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, ना कि कोई गलत जानकारी। याद रखिए, इंटरनेट पे जब आप कुछ भी सर्च करेंगे तो जितनी वेबसाइट्स आते हैं 80-90% उसमें गलत जानकारी होती है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, एक स्रोत हमने बनाने की कोशिश करी है जहां से आपको सही जानकारी मिले। तो साथ दीजिएगा, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।